हरदीप चड्ढा मर्डर केस में आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी को एक बार फिर कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। क्राइम ब्रांच ने उसे साकेत कोर्ट में पेश किया था। दोनों तरफ की दलीलों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने उसे 3 दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। इस केस में नामधारी के खिलाफ एक और धारा भी जोड़ी गई है। क्राइम ब्रांच ने नामधारी पर सबूत मिटाने का नया आरोप लगाया है। तो क्राइम ब्रांच इस मामले में दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब के 3 नेताओं और उत्तराखंड के 2 अफसरों से भी पूछताछ कर सकती है। पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरदीप की हत्या के मुख्य आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी की पुलिस कस्टडी में 3 दिनों का इजाफा हुआ है। साकेत कोर्ट में हुई उसकी पेशी के वक्त जज ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया और एक बार फिर नामधारी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का फैसला किया। हालांकि पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। कई दिनों तक चली फॉरेंसिक जांच की शुरुआती रिपोर्ट के बाद पुलिस ने नामधारी को आरोपी बनाया है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रह चुके नामधारी की इस हत्याकांड में भूमिका पहले ही दिन से संदिग्ध रही है। उधर पोंटी चड्ढा गोलीकांड में दिल्ली पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मौके से एक और कारतूस बरामद किया है। इधर नामधारी से पूछताछ के बाद अब पुलिस 3 नेताओं और 2 अफसरों की भूमिका की जांच कर रही है, तो 4 पुलिस वालों की भी जांच हो रही है। पुलिस ये जांचने में जुटी है कि आखिर नामधारी ने पिस्टल की पिन क्यों बदलवाई। जांच में बड़ा सवाल यही है, आखिर वो कौन है जो नामधारी को नसीहत दे रहा था। तो सवाल ये भी है कि नामधारी बार बार बयान क्यों बदल रहा है। नामधारी के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चलता है कि गोलीबारी के बाद जख्मी पोंटी चड्ढा को अस्पताल ले जाते वक्त नामधारी ने अपने मोबाइल फोन से दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब के 3 नेताओं के अलावा उत्तराखंड के 2 अफसरों से भी बात की थी। ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे पहलू को खंगाल रही है ताकि इस हत्याकांड का पूरा सच सामने आ सके। दिल्ली से MHO न्यूज के लिए शक्ति परमार की रिपोर्ट।